लकड़गंज थाना अंतर्गत आज सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। नतीजतन पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर चाकू से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रामदास बोरीकर और उसकी मृत पत्नी पारिवारिक कलह की वजह से 2017 से दोनों ही एक ही मोहल्ले में अलग अलग रहते थे। आने वाली 9 जून को उनके बेटे सतीश बोरीकर की शादी होने वाली थी। उसी का निमंत्रण लेकर छाया बोरीकर अपने पति रामदास बोरीकर के पास आज सुबह 7 बजे गई, जिसके बाद पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और गुस्से में आकर पति रामदास बोरीकर ने अपनी 52 वर्षीय पत्नी को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी लकड़गंज पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पराग पोटे ने दी है। तक्रारदार सतीश बोरीकर यांनी पुलिस स्टेशनला तक्रार दिली की त्याचे वडील मागील 5 वर्षापासून 2017 पासून हे वेगळे राहायचे कौटुंबिक वादामुळे, आणि त्याचं स्वतःचं लग्न होतं, त्याच्या लग्नाचं आमंत्रण देण्याकरता, त्या लग्नाला येण्याकरता, बोलवण्याकरता त्याची आई आज सकाळी 6:30 वाजताच्या दरम्यान वडिलांना बोलवण्याकरता गेली असता कौटुंबिक वाद उफाळून येऊन त्याच्या वडिलांनी त्याच्या आईची चाकूने गळ्यावर, पोटावर व शरीरावर इतरत्र वार करून हत्या केली आहे। अशा तक्रारीवरून 302 गुन्हा दाखल करून तपासात घेतला आहे। आरोपी नामे रामदास बोरीकर हे आमच्या ताब्यात आहे। पुढील तपास सुरू आहे। मृतक ही हिचे नाव छाया बोरीकर असून ती मागील 5 वर्षापासून विभक्त राहत होते आणि त्यांच्या कौटुंबिक वाद होता। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।